बात करते हैं अग्निवीर योजना की। जब से ये योजना लागू की गई तब से इस पर राजनीति शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव में भी इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हुई। विपक्ष लगातार इस योजना को रद्द करने की मांग कर रहा है और इस बीच खबर ये आ रही है कि अग्निपथ योजना में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार विचार कर रही है और सूत्रों ने बताया है कि हो सकता है कि सरकार इसे लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन का प्रभाव भी पड़ा है अग्निवीर के, खासतौर में उत्तर प्रदेश और बाकी जगह में। अग्निवीर जो 24 के चुनावी पथ पर सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा, अग्निवीर जिसे विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने चुनावी मंच पर उठाया, अब उस अग्निवीर योजना में बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है क्योंकि इस मुद्दे का असर सियासी घमासान से लेकर चुनावी परिणाम तक में देखने को मिला। इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी, ऑपोजिशन में बैठे हैं मगर अग्निवीर को ऑपोजिशन में रद्द करने की कोशिश करेंगे। अग्निपथ स्कीम को लागू हुए 1.5 साल का वक्त हो चुका है और इन 1.5 साल में इस स्कीम को रिव्यू किया जा रहा है। अब सूत्रों से खबर है कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने तीनों सेना से इस पर रिपोर्ट मांगी है, यानी अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव हो सकते हैं। अग्निवीर जवानों का कार्यकाल बढ़ सकता है, अभी अग्निवीर जवानों का कार्यकाल 4 साल है। 25% रिटेंशन की स्कीम में बदलाव हो सकता है। सेना इस बात पर चर्चा कर रही है कि अग्निवीरों के लिए ट्रेनिंग पीरियड को आम सैनिकों के लिए निर्धारित ट्रेनिंग की तरह ही किया जाए, जबकि उनके सर्विस टाइम को बढ़ाकर 4 के बजाय 7 वर्ष किया जाए, जिससे उन्हें ग्रेचुएटी और पूर्व सैनिक होने का दर्जा दिया जा सके। यानी जो मुद्दा चुनाव के वक्त उठा, अब उस पर मंथन शुरू हो चुका है। अग्निवीर से जुड़े मामले पर आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के द्वारा कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जिस तरह से बड़े फैसलों की अगर बात करें तो जिस तरह से उनके जो सेवाकाल की जो अवधि पहले से तय थी 4 साल, 4 साल की अवधि को बढ़ा करके 7 से 8 साल किया जा सकता है। राहुल ही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस योजना के विरोध में रहे हैं। अखिलेश के मुताबिक ये योजना अस्वीकार्य है। अग्निवीर योजना को युवा कभी स्वीकार नहीं कर सकते। देश की सुरक्षा के लिए अगर सिर्फ 4 साल की नौकरी देंगे और उसमें भी आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी और देश के लिए मरने पर सैनिक को सम्मान नहीं मिलेगा, इन 4 वर्षों के भीतर कोई भी इस नौकरी को स्वीकार नहीं करेगा। और गरीबों की मदद करने की पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो, अग्निवीर अब भैया मैं आपको बता रहा हूं, अब हमारे पास पार्लियामेंट हाउस में सेना बैठी हुई है, सेना बैठी हुई है। इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी, ऑपोजिशन में बैठे हैं मगर अग्निवीर को ऑपोजिशन में रद्द करने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। दरअसल अग्निवीर योजना पेंशन बिल को कम करने और सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। हालांकि नए भर्ती किए गए सैनिकों के बीच ट्रेनिंग और विशेषज्ञता की कमी को लेकर चिंताएं जताई गई। ये योजना 17.5 साल से 21 साल की आयु वर्ग के युवाओं के लिए है, जिसमें 4 साल की अवधि के लिए भर्ती करने का प्रावधान है। वहीं 25% अग्निवीर को 15 साल तक बनाए रखने का प्रावधान है। योजना के मुताबिक 75% अग्निवीर जो 4 साल में रिटायर होंगे उन्हें 12 लाख रुपए एक मुश्त दिया जाएगा। अब खबरें हैं कि सशस्त्र बल सैन्य भर्ती के लिए अग्निपथ योजना में संभावित बदलावों पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें बदलावों के लिए मुख्य पहलू 25% रिटेन करना और ट्रेनिंग पीरियड वाले मुद्दे हैं, जिनको लेकर अंदर खाने चर्चा शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।